तो गाइस सब कैसे हो और एक अनबॉक्सिंग वीडियो में आप लोगों को स्वागत। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा रेडमी 4 का अनबॉक्सिंग करके, जो कि 3 GB रैम और 32 GB रोम के साथ आता है, 4000 बैटरी के साथ आता है, उसके साथ साथ फिंगरप्रिंट डिवाइस भी है, सॉरी फिंगरप्रिंट भी यहाँ पर है। और इसको मैंने बाय किया अंदाज 4500 रुपीस के अंदर मैंने इसको बाय किया। तो आप जब चेक करोगे शायद आप लोग इस प्राइस रेंज में ना भी मिल सकते, बट आप चेक जरूर करना, क्योंकि आपको किसी भी टाइम में किसी भी प्राइस में ये फ़ोन मिल सकते हैं। तो आप लोग जरूर चेक करके रहना और वीडियो को जरूर एंड तक देखना, ये प्रोडक्ट कैसा है, किस तरीका का है और कौन सा क्वालिटी है, वो भी मैं आप लोगों को जरूर बताने वाला हूँ, पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ। साथ साथ वीडियो को जरूर एंड तक देना, पसंद लाइक शेयर कमेंट अपने सभी दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर आप कर सकते हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट वगैरह करने के लिए या कोई भी टेलीकॉम बिजनेस रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए। तो चलो आज हमारे पास चाकू नहीं है तो हम कांचे से काम चला लेंगे। तो चलो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेता हूँ, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। देखो मैंने आप लोगों को और एक वीडियो दिया था अनबॉक्सिंग, जो रेडमी Y1 लाइट था, जिसको अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया है। उसको अंडर 4000 रुपीस में मैंने बाय किया था और आराम से ये सारा चीज़ अगर आप शॉप पर बेचोगे तो भी 200-300 रुपीस आराम से प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हमारा रसीद है जिसको रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अच्छे से रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर खाप जो होता है इसका पैकेटिंग, वो भी बहुत तगड़ा होता है। तो चलो हम इसका जो पेपर पैकेटिंग है उसको हम साइड कर लेता हूँ, तो साइड कर दिया हमने। तो इसके बाद ये हमारा मेन जो प्रोडक्ट है, तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा फाड़ लेंगे। तो यहाँ से हमने इसको फाड़ लिया तो इसका पैकेटिंग क्वालिटी बहुत ही मस्त क्वालिटी का होता है। उसके बाद इसको हम सिंपली फाड़ लेंगे। तो चलो ये भी बहुत, यहाँ पर 2 स्टिकर वगैरह लगा होता है शायद आप लोगों को पता होगा। तो देखिए इसका क्वालिटी भी बहुत ही मस्त आता है, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप 7 डेज का रिटर्न कर सकते हो, उसके साथ साथ मतलब 6 मंथ का यहाँ पर वारंटी भी मिल जाता है, जो कि कंपनी आपसे घर से मोबाइल ले जाता है और 1 मंथ के अंदर वो जो प्रॉब्लम था उसको ठीक करके फिर से दिया भी जाता है। तो आप लोग मोबाइल का क्वालिटी, ये हमारा मेन मोबाइल है तो इसको हम थोड़ा सा एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद इसका जो चार्जर वगैरह है उसको भी हम चेक कर लेंगे। तो आप लोगों को सामने मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर रहा हूँ, वो भी फर्स्ट टाइम। तो इसका क्वालिटी आप देख सकते हो, एक बहुत ही मस्त क्वालिटी है। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रैच है नीचे में, एकदम नीचे में, यहाँ पर स्पीकर के पास में, इसके अलावा और कोई पर भी एक भी स्क्रैच नहीं है, यहाँ पर छोटा सा स्क्रैच है। हालांकि बहुत ही बढ़िया इस रेंज के अंदर मैंने 32 GB का मतलब रेडमी 4 मिला। हालांकि आप अगर नॉर्मल चेक करोगे तो आप लोगों को 4500 रुपीस के अंदर आप लोगों को 2 GB और 16 GB मेमोरी के साथ जो वेरिएंट है वो आप लोगों को मिलेगा, बट ये मुझे ऑफ़र पर मिला था, मतलब थोड़ा रिसर्च करने के बाद मिला था, तो मुझे ये 32 GB का मतलब ये जो मोबाइल है ये मिल चुका ओनली 4500 रुपीस के अंदर। ओके, इसके अंदर जो सबसे बड़ा फैसिलिटी हुआ है फिंगरप्रिंट डिवाइस है उसके, सॉरी फिंगरप्रिंट है, उसके साथ साथ इसका बैटरी जो है वो 4000 mAh की बैटरी इस पर है। तो हम सिंपली इसको ओपन कर लेंगे और इसको ओपन होने में जितने भी टाइम लगे उसके अंदर मैं जो चार्जर वगैरह है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि इसका चार्जर भी बहुत अच्छा क्वालिटी का चार्जर आता है। तो चलो ये वारंटी कार्ड है, बहुत ज़्यादा काम आता है तो कस्टमर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जब उसे एक वारंटी मिल जाता है। ओके, तो चलो इसका यह पार हम खोल लेते हैं। इसका चार्जर क्वालिटी मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मार्केट में मतलब 250-300 रुपीस में बिक जाता है, तो अगर कस्टमर को आप देना चाहो तो दे सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो। मान लो आपने जितने रुपीस में फ़ोन को बाय किया उस रुपीस में अगर आप लोग बेच देते हो फ़ोन को, तो चार्जर को ज़रूर रख देना, क्योंकि चार्जर में आपका प्रॉफिट होगा। ओके, तो चलो फ़ोन ओपन हो चुका है शायद, यहाँ पर कुछ सेटिंग वगैरह हमें करना पड़ेगा जो शायद आप लोगों को भी पता है, तो हमने सेटिंग को बहुत ही सिंपल तरीके से कंप्लीट कर देता हूँ। तो देखो वीडियो अभी 4 मिनट का हो चुका है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो वीडियो को मैं थोड़ा सा यहाँ पर पॉज करता हूँ। ओके, तो गाइस फाइनली हमारा सेट ओपन हो चुका है और बहुत ही मस्त क्वालिटी का है, क्योंकि इसमें 3 GB का मेमोरी मतलब रैम है और 32 GB की यहाँ पर मेमोरी है, जिसको मैंने अंडर 4500 रुपीज़ में बाय किया, 4000 का बैटरी है, 5 इंच स्क्रीन है और बहुत ही मस्त क्वालिटी, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। इसके लगभग मतलब 200-300 रुपीज़ रख के आप आराम से सेल कर सकते हो, बट हालांकि आप लोग इस प्राइस रेंज के अंदर नहीं भी मिल सकते, तो थोड़ा रिसर्च करके बाय करना और जो भी करना वो आपने डिसीजन पर करना। मैं आप लोग को सिर्फ दिखा दिया कि ये सेट कैसा है,
और इसको अप्लाई करने में कितना मज़ा, मैं भी अगर मेरे कुछ दोस्त वगैरह को मैं अगर सेल करता हूँ तो ये किस तरह से वर्क करता है वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर किसी और वीडियो में बता दूँगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बता देना। कोई भी दिक्कत आती, कोई भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको जरूर 101% मैं आपको रिप्लाई दूंगा ही दूंगा। वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद है तो जरूर एक लाइक कर देना, कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना। तो आज के लिए नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, जय हिंद बंधु मात्र, मिलते और एक धमाके वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।